Good morning, friends. Till now you have studied two elements of directing, that is supervision and motivation. Now we will start with the third element of directing, that is leadership. Leadership is the process of influencing the behavior of people towards the achievement of organizational goals. लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लीडर अपनी टीम के बिहेवियर को इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि वे सभी मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करते हैं. लीडरशिप इज एन आर्ट टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस विथ फॉलोअर्स एंड मोटिवेट देम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. लीडरशिप एक क्वालिटी है, एक आर्ट है जिसमें एक लीडर अपनी टीम के साथ गुड रिलेशंस मेंटेन करता है ताकि टीम इस लीडर पर ट्रस्ट करे. अब यह लीडर अपनी टीम को मोटिवेट करता है ताकि टीम स्पीड बढ़े, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बढ़े और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो. लीडरशिप इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. लीडरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. ये जैसे डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसी तरह लीडरशिप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. बोथ लीडर एंड फॉलोअर्स प्ले की रोल इन द लीडरशिप प्रोसेस. बहुत बार हम ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का क्रेडिट लीडर को देते हैं, लेकिन इसमें लीडर और फॉलोअर दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार फॉलोअर्स की क्वालिटी, टैलेंट, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, डेडिकेशन के कारण ही एक पर्सन इफेक्टिव लीडर बनता है. सो लीडरशिप प्रोसेस में लीडर और फॉलोअर दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. लीडरशिप इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए लीडरशिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है. ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स, बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स. ऑर्गेनाइजेशंस में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मैनेजर्स मिलते हैं. अब हर मैनेजर अपनी टीम को लीड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है. सो ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स. लीडर्स आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स दोनों में ही मिल सकते हैं. इनफॉर्मल ग्रुप का लीडर मैनेजर नहीं होता, वह अपनी टीम के ट्रस्ट के कारण लीडर बनता है, अपनी टीम के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, उन्हें किसी चीज के लिए राजी करता है. सो ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मेन फीचर्स ऑफ लीडरशिप. नाउ वी स्टार्ट विद लीडरशिप स्टाइल. लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू अ लीडर्स बिहेवियर which the leader reflects in his role as a leader. Leadership style एक leader का behavior है, उसका pattern है, उसका तरीका है काम करने का, जो उसके personality में भी appear होता है. A leadership style is the result of leader's philosophy, personality, experience and value system. यह leader का working style उसकी philosophy, personality, एक्सपीरियंस और वैल्यू सिस्टम के कारण ही बनता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फॉलोअर्स एंड द एटमोस्फियर प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी पर्सन की लीडरशिप स्टाइल उसके फॉलोअर्स पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड होती है कि यह फॉलोअर्स फ्रेश कैंडिडेट है या एक्सपीरियंस और ट्रेंड पीपल है, बहुत डिवोटेडली अपना वर्क करते हैं, या फिर एक्सपीरियंस तो है लेकिन लेजी है. सो फॉलोअर के टाइप के ऊपर लीडर का स्टाइल भी डिपेंड होता है. इसके साथ ही आपके ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फियर कैसा है, हेल्दी एनवायरनमेंट है या स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, रिस्की वर्क है. सो व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फियर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लीडरशिप स्टाइल. Now there are three different styles of leadership: autocratic leadership, participative leadership and free reign leadership. We are going to study in detail the three types of leadership. लेकिन एक लीडर इन तीनों स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन यूज करता है या फिर टाइमली अपनी लीडरशिप स्टाइल भी चेंज कर सकता है.
लेकिन कोई एक स्टाइल ही होती है जो उसकी पर्सनालिटी में उसके रोल में ज़्यादा अपीयर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर की पर्सनालिटी है कि वे जनरली स्ट्रिक्ट होते हैं, हमेशा स्ट्रिक्ट नहीं होते, कई बार आपके साथ बहुत फ्रेंडली भी होते हैं, लेकिन उनकी एक जनरल इमेज है, कॉमन बिहेवियर है कि वे स्ट्रिक्ट हैं। सो दैट इज द लीडरशिप स्टाइल ऑफ योर फादर। योर मदर इज जनरली वेरी लविंग, केयरिंग एंड लिबरल इन नेचर। सो यह उनकी जनरल पर्सनालिटी है, जनरल लीडरशिप स्टाइल है। कई बार आपकी मदर भी आपके साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर करती है। नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप, दैट इज ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव, डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अंडर दिस स्टाइल द लीडर सेंट्रलाइजेस ऑल डिसीजन मेकिंग पावर्स एंड एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सबॉर्डिनेट्स। इस स्टाइल में लीडर सभी पावर्स अपने पास सेंट्रलाइज रखता है। जैसे इस फ्लो चार्ट में मिस्टर ए इज द लीडर, सो ही विल ओनली फ्रेम प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ही विल नॉट कंसल्ट हिज टीम मेंबर्स बी सी एंड डी फॉर मेकिंग एनी डिसीजन। ही विल ओनली डायरेक्ट हिज सबॉर्डिनेट्स टू डू द टास्क ऑन टाइम एज पर हिज ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। So this is bossing people around or boss-centered leadership. This style should be used on rare occasions. जैसे organization में कोई emergency है, work बहुत risky है, या discussion करने का time नहीं है, employees incompetent या untrained है, तब authoritative style of leadership use हो सकती है। Penalties result into frustration. यदि यह सबॉर्डिनेट्स अपना काम टाइम पर नहीं कर पाए तो बॉस उन्हें पनिश भी कर सकता है, पेनाल्टीज चार्ज कर सकता है, जो एम्प्लॉयज में फ्रस्ट्रेशन लाती है। लो मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, यदि एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंट है, ट्रेंड है और उसके बाद भी यह अनहेल्दी एनवायरमेंट है, देन वर्कर्स का जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता, उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है, वो कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते। लिटिल और नो डेलीगेशन, क्लोज सुपरविजन बाय द बॉस ऑन द सबॉर्डिनेट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अथॉरिटेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। नाउ द सेकेंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अंडर दिस स्टाइल लीडर कंसल्ट सबॉर्डिनेट्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस and encourages them to give suggestions in setting goals and implementing decisions. जैसे इस flowchart में A is the leader. कोई भी plan और policy बनाने से पहले वह अपने team member के साथ meeting करेगा, उसमें इस plan के ऊपर discussion करेगा, अपने team members के suggestions, views सुनेगा और उसके बाद ही कोई भी decision लेगा, किसी भी plan को implement करेगा। So it is group-centered leadership. More delegation of authority. Democratic style में एक leader अपना ज्यादा काम employees पर delegate करता है, क्योंकि उसे अपनी team पर पूरा trust है। Moderate supervision, positive approach like rewards to get the work done. अपनी टीम को motivate करने के लिए, किसी भी काम को time पर complete करने के लिए डेमोक्रेटिक लीडर अपनी टीम को पॉजिटिव अप्रोच यानी रिवॉर्ड्स देता है। हाई मोरल, कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, कोऑपरेशन ऑफ द ग्रुप। डेमोक्रेटिक स्टाइल फॉलो करने से टीम मेंबर्स का मोरल इंक्रीज होता है, वे कॉन्फिडेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में सजेशंस देने के कारण वे इनिशिएटिव भी लेते हैं और अपनी टीम को कोऑपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस स्टाइल से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का ही बेनिफिट होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट होता है, वे खुद को इस टीम का पार्ट समझते हैं और अपने इनिशिएटिव, इनोवेशंस यूज करते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को भी बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। इस तरह डेमोक्रेटिक स्टाइल इज वेरी हेल्पफुल एंड सुटेबल व्हेन एम्प्लॉयज आर कॉम्पिटेंट एंड ट्रेंड। थर्ड स्टाइल इज फ्री रेन और लेजी स्फेयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप।
Laissez-faire is a French word which means let them do or no interference in the affairs of others. Under this style, the leader gives complete freedom to the subordinates in setting goals. Jaise is diagram mein, Mr. A is the leader. He does not interfere in the working of B, C, D and E. इसने अपनी टीम को पूरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. हर डिसीजन टीम मेंबर्स ही लेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे. सो इट इज सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप. हियर द लीडर हैज डेलीगेटेड द एंटायर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टीम. देयर इज नो सुपरविजन एंड कंट्रोल बाय द लीडर. Leader does not promote employees' morale by positive or negative approach. इसका मतलब leader अपनी team को motivate नहीं करता. Leader acts as a contact man with outsiders and provide resources, information to the team. यह leader outsiders के लिए contact man है और जरूरत पड़ने पर अपनी team को information और resources provide करेगा. It is more non-leadership style than a leadership style. यह स्टाइल उस समय ही पॉसिबल है जब टीम बहुत ज्यादा ट्रेन एक्सपीरियंस्ड हो, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एक पर्सन तीनों स्टाइल ऑफ लीडरशिप का कॉम्बिनेशन यूज कर सकता है. जैसे एक लीडर कभी अथॉरिटेटिव होता है, कभी डेमोक्रेटिक और कभी लेजिस्फेयर होता है. जैसे किसी सीजनल टाइम के समय उसने क्विक डिसीजंस लिए और इम्प्लीमेंट करने के ऑर्डर्स पास ऑन कर दिए, उस समय लीडर ऑटोक्रेटिक लीडर है. लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में उसने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ डिस्कशन करके ही कोई डिसीजन फाइनलाइज किया, इम्प्लीमेंट किया, तब वह डेमोक्रेटिक स्टाइल है. लेकिन कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ओकेजन्स पर पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, जैसे स्टाफ पार्टी, स्टाफ पिकनिक या किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन होने पे प्रमोशन पार्टी या फेयरवेल पार्टी, क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज होते हैं. उस समय लीडर ने अपनी टीम को वेन्यू और मेनू डिसाइड करने के पूरे अधिकार दे दिए. यह लीडर केवल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा. इस समय यह लीडर लेजिस फेयर स्टाइल फॉलो कर रहा है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थ्री स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. If you like this video, like, share and subscribe my channel.